हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। अक्षय ने क्यों फरा और शिरीष के साथ फिल्म करने से किया इनकार। एक्सक्लूसिवली दिखाएंगे बिपाशा बासु का क्या कहना है अपने एक्स और करंट लव लाइफ पर। बताएंगे सेंसर बोर्ड के किस फैसले ने उड़ा दिया फिल्म मेकर्स की नींद। बताएंगे प्रियंका कैसे बन सकती है ट्विटर पर आपकी फॉलोअर। संजय दत्त ने रणबीर कपूर को दिया कौन सा नया नाम। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं अक्षय कुमार और शिरीष कुंदर के बीच चल रही प्रॉब्लम के खबर के साथ। फिल्म जोकर को रिलीज होने में सिर्फ एक वीक रहा है और फिल्म के लीड एक्टर अकी प्रमोशनल इवेंट से हैं टोटली गायब। क्या है अकी की इस प्रमोशन से गायब होने की वजह? फाइंड आउट एक्सक्लूसिवली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। फराह खान और शिरीष के साथ अब अक्षय नहीं करेंगे कोई फिल्म। अक्षय को लग रहा है उनके साथ हुआ है एक बड़ा धोखा और इसीलिए अक्षय गायब है फिल्म जोकर के प्रमोशन से। जूम आपको पिछले कुछ दिनों से लगातार दिखा रहा है कैसे अक्षय कुमार ने फिल्म जोकर को निग्लेक्ट कर दिया है। अपनी फिल्म्स को प्रमोट करने में कोई कसर ना छोड़ने वाले अक्षय कुमार ने अपनी इतनी बड़ी फिल्म के लिए ना तो कोई मीडिया इंटरव्यूज किए हैं और ना ही कोई बड़ा इवेंट। अभी कुछ दिनों पहले ही रिलीज हुई फिल्म राउडी राठौड़ के लिए अक्षय ने पूरा एक महीना फिल्म प्रमोशन किया था, लेकिन जोकर के लिए अक्षय ने अपना एक भी दिन नहीं दिया है। अब आइए आपको एक्सक्लूसिवली बताते हैं कि क्यों अक्षय कुमार नाराज है फराह और शिरीष कुंदर से। जूम के सोर्सेस की माने तो फिल्म को लेकर अक्षय कुमार की कोई भी डिमांड नहीं मानी गई, और तो और अक्षय से जो वादे किए गए थे उन्हें भी पूरा नहीं किया गया है। आइए दिखाते हैं ऐसे कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से अक्षय चीटेड फील कर रहे हैं। धोखा नंबर वन। सबसे पहले कहा गया था कि इस फिल्म को 3D में बनाया जाएगा, लेकिन फिल्म जब फ्लोर पर पहुंची तो अक्षय को बताया गया कि इस फिल्म को 3D में कन्वर्ट करके रिलीज किया जाएगा। लेकिन फिल्म रिलीज में अब कुछ ही दिन रह गए हैं, लेकिन फिल्म 3D में रिलीज हो रही है ऐसी कोई खबर नहीं है। धोखा नंबर टू। अक्षय चाहते थे कि फिल्म के सॉन्ग्स पर स्पेशली वर्क किया जाए क्योंकि अक्षय सॉन्ग्स को फिल्म की स्पेशल USP मानते हैं, लेकिन फिल्म के सॉन्ग रिलीज हुए एक महीने से ऊपर हो चुका है लेकिन कोई भी सॉन्ग अभी तक एक बिग हिट साबित नहीं हुआ है। और तो और अक्षय इस बात से नाराज है कि सॉन्ग्स को रिलीज करते वक्त डबल मीनिंग वर्ड्स को यूज किया गया जो कि अक्षय के मुताबिक उनकी फैमिली ऑडियंसेस के लिए ठीक नहीं। धोखा नंबर थ्री। वैसे इतना कुछ हो जाने के बावजूद अक्षय इस फिल्म को प्रमोट कर लेते, लेकिन जिस तरह से फिल्म की प्रमोशन की शुरुआत शाहरुख और सलमान को सेंटर बना के की गई, उससे अक्षय बिल्कुल खुश नहीं थे। फिल्म प्रमोशन के पहले ही इवेंट्स पर फराह अक्षय की बजाय शाहरुख और सलमान की बात कर रही थी। आई थिंक शाहरुख लंदन में है तो एलियन उससे मिल नहीं पाए और सलमान ने मुझसे कहा कि उन्होंने देखा उन्हें तो वो नेक्स्ट टाइम उन्हें मिल लेंगे। यही नहीं, फराह के एलियंस अक्षय के बजाय सलमान और शाहरुख के घर के चक्कर काट रहे थे। अक्षय खुद बॉलीवुड के ए लिस्ट स्टार हैं और उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि उनके फिल्म के प्रमोशन में खान्स की मदद ली जा रही है, और यही वजह है कि अक्षय ने फिल्म जोकर से अपना नाता पूरी तरह तोड़ लिया है। वैसे फिल्म की प्रोड्यूसर फराह खान अभी तक इस न्यूज को गलत बताने में लगी हुई है जबकि सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। अक्षय इज टू इंटेलिजेंट एंड ही इज टू बिग हार्टेड एंड शाहरुख इज टू बिग हार्टेड, और ये किसी भी हीरो के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर कोई दूसरा हीरो एक फोटो भी ले ले, उसने एक फोटो ली है एलियंस के साथ। रॉडी के टाइम भी शाहरुख आके चिंताता था, पे नाच के गया था, तभी तो आप लोग ने ये सवाल नहीं उठाया। वेल फराह, आप अपने गुस्से से इस न्यूज को यूं ही नहीं दबा सकती। वैसे फराह ही नहीं, सोनाक्षी सिन्हा भी अपने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को डिफेंड करने में लगी हुई है। बिल्कुल, आई थिंक इट्स आवर फिल्म एंड फराह एज अ प्रोड्यूसर एंड मी because it was my second film at that point of time, it's very special to me and so we're doing everything that we can.
वैसे फराह और शिरीष ने इस न्यूज को दबाने के लिए फिल्म पब्लिसिस्ट के जरिए ये न्यूज स्प्रेड कर रखी थी कि अक्षय जोकर के लिए 27 अगस्त को मीडिया इंटरव्यूज देंगे। जबकि जूम के सोर्सेज की माने तो अक्षय उस वक्त अपनी फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के सीक्वल के लिए देश के बाहर होंगे। अब देखने वाली बात होगी कि फिल्म रिलीज तक फराह और शिरीष किस तरह से खुद को डिफेंड करते हैं। फॉर इलिका श्रीवास्तव एंड रोशनी दुबे, जूम मुंबई। एक्ट्रेस बिपाशा बासु सिंगल हो या कमिटेड, उनके रिलेशनशिप्स को लेकर हमेशा रूमर्स सामने आते रहती है और आज जूम पर खुद बिपाशा एक्सक्लूसिवली बताएंगी अपने पास्ट और करंट लव लाइफ के बारे में। टेक अ लुक। जॉन और बिपाशा की ये जोड़ी कभी बॉलीवुड के सबसे अच्छी जोड़ियों में गिनी जाती थी, लेकिन आज ब्रेकअप के बाद इन दोनों स्टार्स का पुराना प्यार इनके लिए सजा बन गया है। आजकल हर दूसरे दिन जॉन और बिपाशा के बीच प्रॉब्लम्स की खबरें आती रहती हैं। रिसेंटली खबर आई थी कि बिपाशा जॉन की फिल्म शूट आउट एट बडाला में एक आइटम नंबर कर सकती है, लेकिन जूम के साथ एक्सक्लूसिव बात करते हुए बिपाशा ने इस न्यूज को सिरे से खारिज कर दिया। No, I'm not. वैसे जूम को इस बात की खबर पहले से ही थी, लेकिन हम बिपाशा की कॉन्फर्मेशन जानना चाहते थे क्योंकि सोर्सेज ने हमें बताया है कि बिप्स को इस फिल्म में आइटम नंबर के लिए जरूर अप्रोच किया गया था और बिपाशा अपने इस आइटम नंबर को लेकर काफी एक्साइटेड भी थी, लेकिन जॉन ने फिल्म के डायरेक्टर संजय गुप्ता के साथ बात करके बिपाशा को इस फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया और लगता है तभी अब बिपाशा इन खबरों से इनकार कर रही है। Well, अगर सोर्सेज की खबर सच है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आज इन दोनों पुराने लव बर्ड्स के बीच काफी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। वैसे अभी तक हमने आपको बताया बिपाशा के एक्स लव के बारे में, अब खुद बिप से सुनिए शाहिद और उनको लेकर चल रही रूमर्स पर उनका क्या कहना है। बिपाशा went on a coffee with Shahid Kapoor. Maybe they are dating each other. I've, you know, maintained a very strong stand all through this that, you know, it's my life. I'm going to do what I want to do. There is my priority in life at this point of time is work. And when I say it, I really mean it. And the little time that I get, I give it to my friends, my family. And yes, I am a girl. I am going to be going out and they are going to be male company at times. And I am going to get to know new people and make new equations. But it doesn't have to be like with one coffee, they don't become your boyfriend. No. Well, बिपाशा ने जूम के बूम पर साफ कर दिया है कि साशा के साथ कॉफी पीने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो उनके बॉयफ्रेंड है। Well, बिपाशा चलिए मान लेते हैं कि आप शाहिद को डेट नहीं कर रही हैं, लेकिन बार बार लॉन्ग ड्राइव पर जाना और कॉफी पीने पर सवाल तो जरूर उठेंगे। फॉर कीर्ति तरंग, जूम मुंबई। सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के एक फैसले से बॉलीवुड फिल्म मेकर्स की उड़ गई है नींद। क्या है ये फैसला? लेट्स फाइंड आउट। बॉलीवुड मेकर्स को सेंसर बोर्ड ने दिया है जोर का झटका। सेंसर बोर्ड ने जारी कर दिया है फरमान। कोई भी ए लिस्टेड फिल्म टेलीविजन पर नहीं दिखाई जाएगी। जी हाँ, फिल्म मेकर्स और सेंसर बोर्ड की लड़ाई अब एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी है। सेंसर बोर्ड ने इस इशू को अपनी प्रेस्टीज का सवाल बना लिया है। दरअसल रिसेंटली द डर्टी पिक्चर को सेंसर बोर्ड ने कुछ सीन्स हटाने के बाद यूए सर्टिफिकेट जारी कर दिया था, लेकिन सेंसर बोर्ड ने इसके साथ एक शर्त ये भी रखी थी कि इन फिल्म्स को रात 11 बजे के बाद ही दिखाया जा सकेगा। उस वक्त तो ये इशू शांत होते हुए दिख रहा था, लेकिन महेश भट्ट अपनी फिल्म जन्नत 2 को लेकर सेंसर बोर्ड से भिड़ गए। महेश का कहना है कि सेंसर बोर्ड नहीं डिसाइड कर सकता उनकी फिल्म टेलीविजन पर कब दिखाई जाएगी, और इसी सिलसिले में महेश भट्ट ने फिल्म सर्टिफिकेट एपलेट ट्रिब्यूनल के पास इस इशू को उठाया, जिस पर फैसला महेश भट्ट के हक में आया। लेकिन ये बात सेंसर बोर्ड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और अब उन्होंने साफ कर दिया है कि वो अपने सारे फैसले 1952 सिनेमेटोग्राफी एक्ट के तहत लेंगे, जिसके मुताबिक कोई भी ए रेटेड फिल्म किसी भी तरीके से टेलीविजन पर दिखाई नहीं जा सकती। सेंसर बोर्ड का कहना है कि प्रोड्यूसर्स के हित को ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने रूल्स को थोड़ा माइल्ड किया था, लेकिन महेश भट्ट के फिल्म सर्टिफिकेट एपलेट ट्रिब्यूनल में जाने से ये मामला बिगड़ गया है।
अब फिल्म प्रोड्यूसर्स के पास अपनी ए रेटेड फिल्म्स को दिखाने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है, जिसका सीधा असर फिल्म के प्रॉफिट पर पड़ेगा। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की माने तो बॉलीवुड फिल्म मेकर्स आज टेलीविजन सैटेलाइट राइट्स बेचकर 30-40% तक प्रॉफिट बनाते हैं। लेकिन अगर सेंसर बोर्ड ने 1952 सिनेमेटोग्राफी एक्ट स्ट्रिक्टली लागू करवा दिया तो ये प्रोड्यूसर्स की जेब पर बहुत भारी पड़ेगा। साथ ही फिल्म मेकर्स को ये भी डर सता रहा है कि उन्होंने अपनी जिन फिल्म्स को ऑलरेडी टेलीविजन चैनल्स को बेच दिया है, कहीं इस ऑर्डर के बाद वो अपने पैसे वापस न मांग लें। अब इस सिचुएशन को देखते हुए फिल्म मेकर्स के पास एक ही रास्ता बचा है कि वो गवर्नमेंट से इस एक्ट में बदलाव लाने को कहे, ताकि ए रेटेड फिल्म्स को भी टेलीविजन पर जगह मिल पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। अगर आप प्रियंका चोपड़ा के बड़े फैन हैं और आप चाहते हैं कि सोशल नेटवर्किंग साइट पर पीसी आपको फॉलो करे, तो आपको देखनी होगी हमारी अगली स्टोरी, क्योंकि हम आपको इस स्टोरी में बताएंगे कैसे आप शामिल हो सकते हैं प्रियंका के इंपॉर्टेंट फॉलोअर्स की लिस्ट में। प्रियंका चोपड़ा जस्ट लाइक अ गुड फ्रेंड शाहरुख खान इज वेरी टेक सेवी, ये तो सभी जानते ही हैं। और दिन ब दिन प्रियंका डिजिटल वर्ल्ड में अपनी फुटहोल्ड स्ट्रॉन्ग करती जा रही हैं। उनके ब्रांड्स ही देख लीजिए, पीसी के एंडोर्समेंट्स में ब्यूटी प्रोडक्ट्स से ज्यादा टेकी प्रोडक्ट्स हैं। पीसी कीप्स गेटिंग स्मार्टर ऑन डिजिटल, शी हैज बिगन अ न्यू फॉर्म ऑफ ग्रेटिफिकेशन फॉर हर फैंस। अक्सर सुना और देखा गया है सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर कई सारे फैंस अपने सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, पर ऐसा पहली बार होगा कि फैंस को करेंगी एक सेलिब्रिटी फॉलो। जी हाँ, प्रियंका ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक नया इनिशिएटिव लिया है, बी द फर्स्ट टू आंसर हर क्वेश्चंस करेक्टली एंड शी शैल फॉलो यू। इट्स समथिंग न्यू, किसी ने कभी किया नहीं है एंड उसकी वजह से मतलब मुझे नहीं पता कैसा होगा, अच्छा होगा बुरा होगा। आई जस्ट होप कि जिन्होंने अभी तक मुझे मेरी फिल्मों में सपोर्ट किया है वो इंडिया के लोग यू नो इसको भी सपोर्ट करें, उन्हें पसंद आए। आई जस्ट होप दैट। सही सुना आपने, फॉर प्रियंका फैंस ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनके और क्लोज आने की, कि वो उस सोशल नेटवर्किंग साइट पर पीसी के सवाल का सही जवाब दें और पाए पीसी से एक फॉलो बैक। वी थिंक इट्स क्वाइट अ स्मार्ट वे टू बिल्ड हर फैन बेस, एज एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर सेलिब्रिटी से फॉलो बैक मिलना इज मोर वैल्यू देन कैश टिकट्स और मर्चेंडाइज। वैसे इंडस्ट्री में से सम पीपल आर जोकिंग कि आफ्टर हर फेल्ड टीवी स्टंट एज अ होस्ट फॉर एन एडवेंचर शो, प्रियंका इज गिविंग अ टीजर फॉर हर स्किल्स एज अ क्विज मास्टर। वेल, अब हम क्या कहें, व्हाटएवर वर्क्स फॉर पीसी। फॉर कीर्ति तरंग, जूम मुंबई। टाइम टू शो यू अ स्पेशल रिपोर्ट। मौका था एक ज्वेलरी ब्रांड के रैंप वॉक का, जिसकी शो स्टॉपर बनी अमीषा पटेल। इस रैंप वॉक को सपोर्ट करते दिखे हेमा मालिनी और जायद खान भी। When we spotted अमीषा in that bridal अवतार, तो हमारा उनसे ये सवाल पूछना तो लाजमी ही था कि वो खुद कब कर रही हैं शादी। Because I don't have the man yet. I don't know when I find someone right, but currently I'm happy being single. So Amisha is happy and enjoying her singlehood. Shayad Amisha ko time bhi nahi mil raha hoga apne liye Mr. Right dhoondne ka. After all, she is so busy with her so many upcoming ventures. Isiliye to jab humne unke home production ke bare mein pucha to unhone phat se diya jawab. Aisa lag raha tha jaise wo wait hi kar rahi thi ki koi unki film list ke bare mein unse pooch le. Aap bhi suniye how excited Amisha was. Well, the home production starts in October, because right now I was busy finishing Shortcut Romeo with Neil, Race 2, which of course was shot in Turkey for the past 3 months, and we just finished the song last week. Also I'm busy shooting with Sunny Deol. After 10 years Sunny and I come back post Gadar for Bhaiya Ji's super hit, and the film is turning out phenomenal. It's got Sunny and me in a completely new avatar, you know. It's not like it's a Gadar part 2, it's a comedy, it's a masala film, and it's got Sunny Deol in the first time in a double role, so that's really exciting. And then there's my home production, which I start in October end, which has got me in a double role. It's called Desi Magic. So that is what we're focusing on right now. And I've got another 2 films lined up, which you'll be hearing the announcements very soon. Dekha, non-stop apni films ginbadi Amisha ne, wo bhi bina break liye. Well, we hope Amisha ki aapki professional life jitni packed aur achhi chal rahi hai, waise hi aapki personal life bhi ho jaye. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे संजय दत्त ने रणबीर कपूर को दिया कौन सा नया नाम।
संजय दत्त फिल्म बर्फी के ट्रेलर में रणबीर के काम को देखकर इतना इंप्रेस हो गए हैं, उन्होंने रणबीर को दे दिया है एक निकनेम। और संजू चाहते हैं कि ऋषि कपूर और नीतू कपूर भी रणबीर को इसी नाम से बुलाए। क्या है ये निकनेम? लेट्स फाइंड आउट। आप रणबीर कपूर को प्यार से क्या बुलाते हैं? आरके, सावरिया या रॉकस्टार? रणबीर के चाहने वालों ने रणबीर को कई नाम दिए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि रणबीर का लेटेस्ट निकनेम क्या है? वेल, ये नाम है बर्फी। अब आपको लग रहा होगा कि रणबीर की ये कोई फिल्म प्रमोशनल स्ट्रेटजी है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल रणबीर को ये नाम दिया है संजय दत्त ने। संजू बाबा इन दिनों रणबीर को बर्फी बुलाते हैं। रणबीर काफी अरसे से संजय दत्त के घर पे बनी जिम में एक्सरसाइज करते हैं। संजू और रणबीर के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग भी है, और सुनने में आया है कि जब से संजू ने बर्फी के प्रोमोज में फिटर रणबीर को देखा है, तब से वो उन्हें ओए बर्फी कह के बुलाते हैं। ये अलग बात है कि संजू ने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है, लेकिन उन्होंने इन दिनों अचानक रणबीर को बर्फी कहकर बुलाना शुरू कर दिया है। वैसे संजय के अलावा रणबीर की मम्मी नीतू कपूर ने भी रणबीर को एक निकनेम दिया है, वो उन्हें रेमंड कह के बुलाती है। खैर, रणबीर तो इसी बात से खुश होंगे कि लोग उन्हें इतना पसंद करते हैं कि उन्हें नए नए निकनेम्स मिल रहे हैं। तो क्या हुआ जो नाम में कुछ नहीं रखा रणबीर? लेकिन ये सारी पैम्परिंग तो आपको पसंद जरूर आती होगी। और कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। Blender's Pride Magical Night Music Series presents Designer Diaries में इस हफ्ते Zoom आपको मिलवाएगा famous fashion designer Mandira Virk से। More details on this up next. लास्ट वीक शुरू हुआ इंडिया के एस डिजाइनर्स की लाइव जर्नी का कैप्चर करने का सफर विद ब्लेंडर्स प्राइड मैजिकल नाइट्स म्यूजिक सीरीज प्रेजेंट्स डिजाइनर डायरीज, जहां इस शो ने दिखाया आपको डुओ शांतनु एंड निखिल के करियर की इन डेप्थ जर्नी को अप क्लोज एंड पर्सनल। एंड दिस वीक्स ब्लेंडर्स प्राइड मैजिकल नाइट्स म्यूजिक सीरीज प्रेजेंट्स डिजाइनर डायरीज इज बैक येट अगेन टू टेक यू थ्रू अनदर एस डिजाइनर्स करियर पाथ। इस वीक ब्लेंडर्स प्राइड मैजिकल नाइट्स म्यूजिक सीरीज प्रेजेंट्स डिजाइनर डायरीज में हम बात करेंगे डिजाइनर मंदिरा विर्क की, अ यंग गो गेटर डिजाइन क्वीन हु वेरी अर्ली ऑन इन लाइफ डिसाइडेड आई वांट टू बी वे अप देयर। इनका लेबल बन चुका है अ फोर्स टू रेकन विद। शी लुक्स एज गुड एज एनी ऑफ हर मॉडल्स। मंदिरा विर्क की सक्सेस स्टोरी और उनके फैशन इंडस्ट्री की डिटेल जर्नी को आप देख सकते हैं ओनली ऑन ब्लेंडर्स प्राइड मैजिकल नाइट्स म्यूजिक सीरीज प्रेजेंट्स डिजाइनर डायरीज टुनाइट एट 8 PM। एंड इफ यू डू हैपन टू मिस इट, देन ट्यून इन at 9 p.m. on 28th August and find out how this gorgeous talented designer made it to where she is. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है। सो प्लीज स्टे विद अस। Clean and clear Kolkata Times fresh face ke audition rounds ho gaye hain shuru and we will give you the complete details in our next story. Clean and clear Kolkata Times fresh face 2012 is back in your college, and this time it is bigger than ever before. It's a talent hunt amongst the best colleges in Kolkata. Two girls who will win this contest will have a chance to become the new faces of Clean and Clear. Last year winners Tridha and Vaidehi feature in the Clean and Clear Morning Energy Face Wash television commercial. Clean and Clear believes that true beauty stems from confidence, which allows you to put your best face forward always. In the various rounds and stages of the Fresh Face competition, one of the traits which separates the Clean and Clear girl from the rest besides beautiful skin is her self-confidence. Now you can also check your confidence score by taking a short quiz online at www.itimes.com. Spotlight is now on, searching for new faces of Clean and Clear. So what are you waiting for? Auditions have already begun. So hurry and log on to www.itimes.com to register. Now
जूम आपके लिए लेकर आया है पीसीजे दिल्ली कुटुआ वीक 2012 का एक्सक्लूसिव कवरेज. टू नो मोर अबाउट दिस फैशन शो ट्यून इनटू जूम टुनाइट एट 8:30 PM एंड वॉच FDCI प्रेजेंट्स पीसीजे दिल्ली कुटुआ वीक 2012 इन एसोसिएशन विद SL. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel. Hi, this is Moni Roy. Subscribe to Zoom TV's channel on YouTube and zoom into fresh Bollywood news and entertainment. Just visit www.youtube.com/zoomtv.